हेलो गाइस, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेंस। टेंस में हमने अब तक क्या सीखा? हमने सीखा कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें से हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हमने पास्ट टेंस सीखा और पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है, और इस क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ओके। और अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप वॉइस और नरेशन भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए टेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, मतलब वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है, मतलब भूतकाल में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, कार्य जारी रहता है लेकिन भूतकाल में पाया जाता है, ठीक है, मतलब पास्ट में होता है, ठीक है, मतलब जो गुजरा हुआ कल है, बीता हुआ कल है, ठीक है, उसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं दो, वाज और वर्ब, और इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, ही सी इट आई, मतलब ही सी इट और आई के साथ में और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ही सी इट और आई और सिंगुलर सब्जेक्ट, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हम क्या वाज प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, वी दे यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, वी दे यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सेंटेंसेस समझेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं या स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारा पहला, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। लास्ट में क्या आ रहा है? रहा था आ रहा है, ठीक है। रहा था आ रहा है कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं है, तो इसके लिए आई, मतलब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा? वाज लगेगा, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई वाज रीडिंग माई बुक, ठीक है। और मैं के लिए अपने की मीनिंग क्या होती है, स्पेलिंग क्या लगाते हैं? माई लगाते हैं, तो आई वाज रीडिंग माई बुक। वह एक मधुर गाना गा रही थी, तो यहाँ पे क्या है? रही थी आ रहा है, ठीक है। एक रही थी आ रहा है मतलब यहाँ पे किसी लेडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी आएगा वह के लिए, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग भी क्या लगेगा? वाज लगेगा, ठीक है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, तो सी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, सी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। लास्ट में क्या आ रहा है? रहे थे आ रहा है, रहे थे आ रहा है, कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम मतलब यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, ठीक है, यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इसमें क्या होता है, सेंटेंस में क्या है, केवल नहीं आ जाएगा और वाज और वर के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है, बाकी सब सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी क्या, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वे घर नहीं जा रहे थे, लास्ट में क्या आ रहा है? रहे थे आ रहा है, ठीक है,
कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे। वे क्या होता है? दे। तो दे के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स प्लूरल। तो दे वर नॉट गोइंग होम, और होम के पहले टू नहीं आता है, दे वर नॉट गोइंग होम, ठीक है। राम दीवार से नहीं कूद रहा था, लास्ट में क्या आ रहा है? रहा था आ रहा है, रहा था आ रहा है। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट हमारा राम है, राम के अकॉर्डिंग वाज लग जाएगा, नहीं भी आ रहा है तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो राम वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल, ठीक है। हम मेज पर नहीं सो रहे थे, लास्ट में रहे थे आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम हमारा सब्जेक्ट है, तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा। तो वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल, We were not sleeping on the table. Okay? Next है हमारा interrogative sentence. Interrogative sentence में क्या है? Interrogative sentence में दो तरह से होता है। एक क्या होता है? जब क्या शब्द, मतलब interrogative word क्या वाक्य पहले आता है, तो यहाँ क्या के लिए कोई वर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वाज या वर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नई शब्द भी आ रहा है तो नॉट लगा देंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या मोहन शोर नहीं मचा रहा था, तो लास्ट में क्या आ रहा है? रहा था आ रहा है। रहा था आ रहा है मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हाँ। क्या मोहन शोर नहीं मचा रहा था, लास्ट में क्या आ रहा है? रहा था आ रहा है, ठीक है। तो रहा था आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन है, और ये क्या शब्द वाक्य के पहले आ रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मोहन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वाज लगेगा कि वर लगेगा? तो यहाँ पे क्या लगेगा? वाज लगेगा, ठीक है, मोहन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मोहन किसी का नेम है और सिमिलर है, सिमिलर सब्जेक्ट है, तो वाज पहले आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वाज मोहन फिर नॉट मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाना क्या मीन्स होता है? मेकिंग अ, मेक अ नॉइज मीन्स होता है, तो यहाँ पे वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगेगा तो मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा। तो वाज मोहन नॉट मेकिंग अ नॉइज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, लास्ट में रहा था आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या शब्द वाक्य के पहले आ रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शब्द वाक्य के पहले आ रहा है? सब्जेक्ट हमारा मैं है, मैं के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज, तो वाज पहले आ जाएगा, वाज आई, ठीक है, यहाँ पे टू टाइम्स आई लिख गया है तो एक बार नहीं होगा, यहाँ पे एक बार आई होगा। तो वाज आई नॉट गोइंग विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, तो वाज आई नॉट गोइंग विथ यू, ओके। क्या हम बाजार जा रहे थे, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो यहाँ पे लास्ट में रहे थे आ रहा है, क्या शब्द वाक्य पहले आ रहा है, सब्जेक्ट हमारा हम है, हम के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? वर, तो वर वी गोइंग टू मार्केट, वर वी गोइंग टू मार्केट, ओके। नेक्स्ट है हमारा वह कमरे में क्या कर रहा था, वह कमरे में क्या कर रहा था। अब यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है, ठीक है, वाक्य के बीच में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नहीं शब्द भी आ रहा है तो फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, क्या शब्द वाक्य के बीच में है तो इसकी स्पेलिंग पहले आ जाएगी, मतलब वाट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, तो वाट वाज ही डूइंग इन द रूम, वाट वाज ही डूइंग इन द रूम। कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, कितने लड़के, ये हमारा क्या है, कितने लड़के, तो कितने हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वर्ड है, तो ये पूरा एक साथ आएगा, ठीक है। जब ये एक साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी बॉयज, हमने बताया था जिन्हें काउंट कर सकते हैं उसके उसके कितने के लिए वहाँ पे हाउ मैनी लगाते हैं, और जहाँ पे काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ पे कितने के लिए हाउ मच लगाते हैं, तो यहाँ पे काउंटेबल है तो हाउ मैनी बॉयज, ठीक है, और बॉयज क्या है, प्लूरल है तो वर लग जाएगा, हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, ओके। कक्षा में कौन रो रहा था, इसको भी क्या हम सिंपल सेंटेंस की तरह बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, तो यहाँ पे कौन का मीन्स होगा, हु मीन्स, तो हु पहले आ जाएगा, फिर हु वॉज वीपिंग इन द क्लास, रोने के लिए वीपिंग या क्राइंग भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो हु वॉज वीपिंग इन द क्लास, ठीक है।
सो आई थिंक गाइज यू गॉट इट, एंड इस क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है. इसके आगे के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनसे आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है. एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस गाइज. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें. थैंक यू.